फाइनली गाइस आ चुके हैं सलार के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो ऑलमोस्ट 28 to 29 डेज हैं प्रीमियर शोज के लिए, तो वही देखने वाले हैं यूएसए एंड यूके के अंदर अभी तक कितना एडवांस हो चुका है। हमने यस्टरडे को बात की थी तो ऑलमोस्ट 1,28,00,000 के आसपास था सिर्फ यूएसए के अंदर। तो भाई पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर किस तरह भाई रफ्तार चली है, एंड ये भाई विदाउट ट्रेलर देखिए एडवांस चल रहा है यूके के अंदर, यूके एंड यूएसए के अंदर, वो भी 1,28,00,000 भाई। कई सारे प्रीमियर शोज था ना, कई सारी मूवीज़ का पहले दिन के लिए ध्वस्त कर दिया। वैसे साउथ पिक्चर का ही प्रीमियर शो रहता है मैक्सिमम, यूएसए हो या फिर यूके हो, बॉलीवुड का हम काफ़ी कम ही देखते हैं, बट ये भी साउथ की पिक्चर है मेरे भाई। तो भाई वीडियो आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप सभी छोटे से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब मेरे भाई इसी ना टेरी से वीडियोज के लिए। देखो भाई जैसे जैसे सलार की रिलीज डेट है वो क्लोज आती जा रही है, रिलीज डेट भी छोड़ो जैसे जैसे ट्रेलर की रिलीज डेट क्लोज आती जा रही है भाई, वैसे वैसे भाई हाइप और ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है। हाँ इनएक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है जैसे जैसे ट्रेलर का रिलीज डेट क्लोज आ रही है। हर एक आप सोशल मीडिया देखोगे तो मैक्सिमम पता क्या लिखा आ रहा है, फेक अकाउंट है प्रशांत नील हो या फिर प्रवास के हो बनाए जा रहे हैं, तो उसमें बताया जा रहा है कि भाई अब VFX में थोड़ा डेली होने के कारण अब पिक्चर ये 21-22 दिसंबर को नहीं आ रही है, अगेन इसको आगे बढ़ा दिया गया, अब ये नेक्स्ट ईयर को आएगी और अब इसका कोई क्लैश टूश नहीं होने वाला है। ये मतलब क्या है यार, मतलब जो इसका हाई बना हुआ है एंड कुछ आएंगे भाई उनको दिखेगा हाँ भाई प्रशांत नील का ही अकाउंट होगा, तो प्रशांत नील खुद बता रहे हैं इसका मतलब कि नहीं आएगी, जब उनके बाद में पता चलता कि नहीं भाई आ रही है वो ऐसे वैसे न्यूज़ पे आई चलता ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि सलार के साथ, ये हर एक मूवीज़ के साथ चलता है। हमें डंकी के साथ भी अभी देखा था मैंने, वो भी कई सारे फेक नहीं भाई डंकी नहीं आ रही है, बड़ी मूवीज़ हमेशा यार उनके साथ ऐसा होता है और यस अभी सलार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो गाइस बढ़ते हैं सीधा नंबर्स की ओर, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी तक एडवांस कितना हो चुका है। तो सबसे पहले यूएसए लगभग 255 लोकेशन में एडवांस ओपन है एंड 780 शोज में चल रहा है, जो कि अगर मैं चैंस वाई देखूं यानी कि जो नेशनल चैंस रहते हैं जैसे हमारे PVR सिनेपोलिस आईनेक्स, तो वहाँ पे जो सिनेमार्क है तो सिनेमार्क में 4,692 टिकट सोल्ड आउट हुए एंड 1.02 करोड़ का एडवांस हुआ है। एंड नेक्स्ट गाइस रीगल सिनेमा की बात करूं तो 921 टिकट सोल्ड आउट हुए एंड ऑलमोस्ट 20,00,000 के आसपास एडवांस है, ये इंडियन रुपीस करके आप सभी को मैं बता रहा हूं। एंड नेक्स्ट गाइस AMC 477 टिकट्स हैज बीन सोल्ड एंड 11,00,000 के आसपास एडवांस है, जो उनके मेन चैंस मेन मल्टीप्लेक्स चैंस है जो मैंने आपको भाई एडवांस बताया AMC हो या फिर सिनेमा को या फिर यहाँ पे रिगल हो, ठीक है। टोटल टिकट्स की बात करूँ तो गाइस 6,413 टिकट्स हैज बीन सोल्ड एंड लोकेशन एंड शोज मैंने आपको बताई दिए। अगर मैं लैंग्वेज वाइज देखूँ तो तेलुगु के 6,380 टिकट सोल्ड आउट हुए एंड नेक्स्ट लाइक हिंदी के ऑलमोस्ट 33+ टिकट्स हैज बीन सोल्ड एंड टोटल एडवांस है लगभग 1.40 करोड़ इंडियन रुपीस, 1,40,00,000 से ज़्यादा है। व्हाट गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि ये नोट एक कल शाम का अपडेट है, जी गाइस कल शाम का अपडेट है, नाइट का अपडेट है, आज सुबह का अभी तक अपडेट तो निकल के सामने नहीं आया। ये आई थिंक 1,50,00,000 से ज़्यादा जा चुका होगा या फिर 1,50,00,000 के आसपास होगा इंडियन रुपीज़ में अभी तक टिल नाउ। ये तो रहा भाई यूके का, यूके नहीं भाई यूएसए के प्रीमियर शोज का एडवांस, बात करते हैं यूके की। एंड यूके में सबसे पहले लोकेशन 76 लोकेशन में एडवांस ओपन है एंड 102 शोज हैं टोटल। एंड अगर मैं यहाँ पे नेशनल मल्टीप्लेक्स देखूँ वहाँ के, तो वहाँ के नेशनल मल्टीप्लेक्स भाई सिनेवर्ल्ड में 4,416 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं भाई ओनली फॉर सिनेवर्ल्ड में। एंड नेक्स्ट गाइस लाइट सिनेमा में ऑलमोस्ट 32 टिकट्स हैज बीन सोल्ड, जो कि अगर मैं लैंग्वेज वाइज देखूँ तो तेलुगु में 4,372 टिकट सोल्ड आउट हुए, जो कि टोटल टिकट सोल्ड आउट हुए हैं 4,448 टिकट्स हैज बीन सोल्ड। एंड एडवांस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 39,00,000 प्लस है, जी गाइस ऑलमोस्ट 40,00,000 पकड़ो यार, 40,00,000 का एडवांस हो चुका है प्रीमियर शोज फॉर यूके एंड टोटल यूएसए एंड यूके दोनों को ऐड करूं तो 1,80,00,000 से ज्यादा है। बट ये यूएसए का जो मिनासे को नंबर्स बताइए कल शाम के हैं, तो समझ लो कि 1,90,00,000 के आसपास हो गया होगा, 1.90 करोड़ एडवांस विद प्रीमियर शोज एंड 28 डेज ही है शायद, हाँ 28 डेज है प्रीमियर शोज के लिए भाई, एक मंथ का टाइम है ऑलमोस्ट और एडवांस पहुंच चुका है 2 करोड़ के आसपास भाई, ये हाइप है सलार का ओवरसीज में। देखो भाई यहाँ से ये सलार क्लैरिफाई करती है कि 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड में
ओपनिंग ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये प्रवास की दूसरी पिक्चर होगी जो 200 करोड़ से ज़्यादा या फिर 200 करोड़ की ओपनिंग लेगी, जो कि 200 करोड़ से ज़्यादा अभी ओपनिंग किसने ली है, ओनली फॉर ट्रिपल आर एंड बाहुबली 2 ने। हैं भी दो ही मूवीज़ जो कि अगर सलार जाएगी तो भाई 3 मूवीज़ हो जाएगी, एंड 3 में से 2 मूवीज़ होंगी सिर्फ प्रवास की, एंड दूसरी भाई टक्कर चल रही है एस राजामौली। एक तरफ भाई स्टार, दूसरा भाई डायरेक्टर नहीं भाई, वो भी स्टार ही है भाई, उनके कैमियो भी होता है भाई उनका मूवीज़ के अंदर, जो कि अभी जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रवास की पिक्चर आएगी ना काल की प्रोजेक्ट के, एंड उसमें एस राजामौली जी का कैमियो भी है, जहाँ गाइस कैमियो है उसमें। चलो ये हमारा मुद्दा नहीं है, छोड़ो इसको। तो गाइस ये रहा टोटल भाई सलार का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, एंड कल थी इसी समय 1.28 करोड़ का, मतलब 12 लाख का एडवांस हुआ है पिछले 24 घंटे में सिर्फ यूएसए के अंदर, जो कि यूके का काफ़ी डिले रिपोर्ट आती है, एक दिन आती है फिर दो दिन नहीं आती है। तो ये तो रहा भाई सलार का टोटल, एंड डोमेस्टिक में छोड़ो अब, डोमेस्टिक काफ़ी दूर है फिलहाल गाइस, वेट करते हैं अभी ट्रेलर का, 1st of December ट्रेलर आएगा, एंड ट्रेलर को देखते हैं भाई किस तरह रिस्पॉन्स मिलता है। ये एडवांस गाइस विदाउट ट्रेलर देखे हो रहा है ओवरसीज में, जब ट्रेलर आएगा तो सोचो फिर क्या रफ्तार पकड़ी, फिर तो गाइस तबाही, टोटली आप तबाही होने वाली है। तो कल चैनल को सब्सक्राइब गाइस, बाकी गाइस मिलते हैं टू मारो को इसी टाइम, तब तक के लिए।